अगर रोज आप 15 सूर्य नमस्कार करोगे तो ही खीर मिलेगी। सीरियल सुमन इंदौरी में आया रोमांस वाला ट्विस्ट, जहां एक ओर तीरथ ने सुमन के उलझे हुए बालों को सुझाने की कोशिश की, वहीं दूसरी ओर दोनों के बीच एक प्यारा और रोमांटिक पल बन गया। जी हाँ, सीरियल सुमन इंदौरी में सुमन और तीरथ के बीच हो रही है प्यारी मस्ती, जहाँ सुमन तीरथ की खींचाई करती है और तीरथ भी थोड़ा परेशान नजर आता है। देखिए, मैंने आज तक कभी भी आपको प्रेशराइज नहीं किया और ना ही कभी भी जिंदगी में आपको प्रेशर कुछ भी करने की। आप अपने सिद्धांत इंटैक्ट रखिए और किसी के लिए भी, मेरे लिए भी बदलेगा। लेकिन कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आता है जब तीरथ ने सुमन को दिया है एक नया फोन, जिसे देखकर सुमन खुशी से झूम उठती है। नमकीन किंग ने आपका जो फोन है वो स्वाहा कर दिया। मेरा अपना हस्बैंड होने के नाते कुछ तो फर्ज बनता है। इस बीच दोनों के बीच मस्ती भी खूब हो रही है और बातों बातों में एक खूबसूरत रोमांटिक पल भी बन जाता है। इस पल में सुमन और तीरथ के बीच एक प्यारा सा क्यूट मोमेंट देखने को मिलता है। अरे एक सेकंड सुमन जी, ये बाल है, कुश्ती लड़ने की जरूरत नहीं है। पहलवानी कहीं और दिखाइएगा, ये वैसे मुझे आपको बुरा लगता है। अरे नहीं, बुरा लगेगा, बोलिए। इट्स ओके स्मृति, इट इज नॉट ओके। नीता जी बताइए क्या, वरना वहीं ये सब चुपके से देख रही हैं देविका और कृतिका, जिनकी नजरें इन दोनों पर टिकी हुई हैं। अब सवाल ये है कि क्या सुमन और तीरथ के बीच की यह नजदीकी और बढ़ेगी, या फिर देविका की साजिश से कहानी में कुछ और नया ट्विस्ट आएगा। ये देखना अब दिलचस्प होगा।